मैं गुंडा कातिल जेल से भागा हुआ मुजरिम स्टाइलिश गैंगस्टर। बिजनेस मैगजीन फोर्ब्स डे 2008 में 10 मोस्ट वांटेड फ्यूजिटिव्स यानी कि भगड़ों की लिस्ट निकाली, जिसमें मैटियो मेसिना डेनारो का नाम भी शामिल था। मैटियो वैसे तो अपना नाम एक इटालियन कॉमिक कैरेक्टर के साथ शेयर करता है, मगर माफिया वर्ल्ड में इसका नाम उससे भी ज्यादा फेमस है। अगर किसी को मॉडर्न वर्ल्ड का गॉडफादर कहा जा सकता है तो वो मैटियो ही है। इटालियन माफिया कोसा नोस्ट्रा का द मोस्ट स्टाइलिश लीडर मैटियो पिछले 25 सालों से मोस्ट वांटेड की लिस्ट में ऊपर आता है। मैटियो ने इतने क्राइम्स किए हैं जो शायद ही कोई समझ पाएगा। जितनी दौलत मैटियो के पास है उतनी ही बद्दुआएं लेकर मैटियो जी रहा है। लेकिन मैटियो का नाम इसलिए भी फेमस है क्योंकि उसने कभी भी अपनी आइडेंटिटी या अपना काम किसी से छुपाया नहीं। मैटियो हमेशा से ही चार्मिंग गैंगस्टर रहा है, जिसकी बहुत ही सुंदर पिक्चर्स टीवी न्यूज चैनल्स पर, न्यूज़पेपर पर और मैगजीन्स तक में आया करती है। वैसे तो इतनी फोटोज लीक नहीं हुई है मैटियो की, मगर जितनी भी है उतनी काफी है लोगों के समझने के लिए कि क्यों उसका नाम गॉडफादर से जोड़ा जाता है। दरअसल गॉडफादर मूवी के लीड का जो अंदाज था वैसा ही कुछ अंदाज मैटियो का है। उसकी एक ब्लैक एंड व्हाइट फोटो तो किसी मैगजीन के कवर के फोटो शूट जैसी लगती है। इस फोटो में काले घने बाल और वो राउंड एविएटर्स पैसों की नुमाइश करते साफ दिख रहे हैं। ये ग्लासेस लग्जरी ब्रांड प्राडा के बताए गए हैं। और तो और मैटियो ने इस पिक्चर में एक सूट पहना है और एक मफलर भी अपने नेक पर डाला है। मैटियो का ये लुक काफी फेमस है, जिसे साफ पता चलता है कि उसने जितने बड़े बड़े मर्डर्स किए हैं उतने ही उसने पैसे भी उठाए हैं। मैटियो को डायबॉलिक भी निकनेम दिया गया है और वो इटालियन प्लेबॉय के नाम से भी जाना जाता है। उसे हमेशा से डिजाइनर क्लोथ्स पहनने का शौक था और तो और लग्जूरियस कार भी, तेज गति में दौड़ाने का क्रेज भी। यही सब मैटियो को स्टाइलिश माफिया किंग बनाता है। मर्डर्स, बॉम्ब ब्लास्ट प्लानिंग्स, एक्सटॉर्शन मनी और इन सब के बीच मैटियो का विलास और बंगलोस चेंज करने का शौक हर जगह फेमस था। मैटियो हमेशा गर्लफ्रेंड्स भी सुंदर और अमीर बनाया करता था और कुछ टाइम स्पेंड करने के बाद पैसे लेकर निकल जाता था। इस स्टाइलिश गैंगस्टर को बहुत बार पकड़ने की कोशिश की गई थी, मगर हर बार वो चकमा देने में कामयाब हो जाता था। तो बस संजय दत्त का कैरेक्टर खलनायक 2 में कुछ ऐसा ही होने वाला है। संजय वैसे अपनी वुमनाइजिंग इमेज को लेकर फेमस तो है ही, तो क्या पता इस बार मैटियो से इंस्पायर्ड हो उनका कैरेक्टर। तब तक अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। बॉलीग्राड स्टूडियोज को सब्सक्राइब करना ना भूलें।